Dijim tu cansa. In our country, there are some of the non-communicable diseases like cancer that are emerging as major public health problems. ये diseases काफी हद तक lifestyle related होती है, उनका एक long latent period होता है और उनकी treatment के लिए जो infrastructure की जरूरत होती है वो बहुत ही specialized होता है और human resources की जो जरूरत पड़ती है वो भी high होता है। जो लोग cities में रहते हैं उनको वैसे भी access होता है with well reputed hospitals in place, पर काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो remote villages से या towns से belong करते हैं और उन्हें cities like Mumbai या ऐसी जगह आना पड़ता है to treat person in their known suffering from cancer, और कई केसेस में वहाँ छोटे बच्चे होते हैं जो कैंसर पीड़ित होते हैं। कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत लंबे समय तक भी हो सकती है, कई बार एक से डेढ़ साल भी लग जाता है। ऐसे केस में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि बहुत पुअर होती है एंड टू एड टू देयर वोज कई बार उन्हें सड़क पर ही सो जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं होते हैं जहाँ पर वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एक छोटा सा कमरा हो उसे अफोर्ड कर पाए। इन सर्टन केसेस वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये बहुत निराशाजनक होता है दैट दे हैव टू टेक देयर फैमिलीज बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस और कई केसेस में जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली वो अपनी लाइफ नहीं जी पाते। सो आज के अपने पॉडकास्ट के लिए मैंने इनवाइट किया है कवि फ्रॉम एक्सिस लाइफ असिस्टेंस फाउंडेशन व्हिच इज सपोर्टिंग कैंसर ब्रेव हार्ट्स। ये एक एनजीओ है, an Indian not-for-profit organization which is registered as a Section 8 company that provides multidisciplinary support to care to families जो कि मुंबई एंड पुणे आते हैं for their child's cancer treatment। ये जो NGO है ये एक बहुत ही noble cause के लिए काम कर रही है in a unique way with a unique plan। ये जो NGO है ये ऐसी families को एक holistic support provide करती है from many angles, जैसे कि nutrition हो गया, उनका accommodation हो गया, बच्चों के लिए education हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया टू हॉस्पिटल्स एंड बैक टू दियर फैसिलिटी, काउंसलिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो बच्चे हैं इन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है इन टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई एंड पुणे टू फाइट अगेंस्ट द डेडली डिसीज कॉल्ड एज कैंसर। ऑल डजंट एंड हियर, अलॉन्ग विद द फैसिलिटीज जो कि मैंने आप सबको बताया ये पूरी कोशिश करते हैं टू इंश्योर दैट द फैमिली एंड द चिल्ड्रन आर गेटिंग अ लविंग एनवायरमेंट जो कि उनके टेम्पररी होम के बराबर ही है। जब मेरी उनसे एक छोटी सी बात हो रही थी तब मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वापस अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ पर इतना सारा उन्हें लव एंड अफेक्शन मिल रहा है। यू विल बी अमेज्ड टू नो सम ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरीज बिहाइंड दिस NGO। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑडियंस क्वेश्चंस हैं इन NGO के साथ बात करने के लिए। हाउ दे मेड इट, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके गोल्स एंड विजन्स क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है उसे अचीव करने के लिए, वो कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को वॉलंटियर्स को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी कुछ फेलियर स्टोरीज, उनके कुछ चैलेंजेस या हर्डल्स और उन्होंने वो कैसे ओवरकम किया इस पैंडेमिक में, हाउ आर दे एबल टू मैनेज देयर NGO, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस दे आर टेकिंग। ये जो NGO है और भी बहुत सारी फेस्टिवल्स इन सबको अरेंज करती है, हाउ आर दे एबल टू डू दैट, नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो एंजल्स, I am glad that you are back out over here. I welcome you with a warm heart. And people who are new to my channel over here today, do check out all my vlogs and subscribe to my channel and hit the notification bell icon so that as soon as any of my videos are published, you will be notified for sure. हमेशा से मुझे है ना, मतलब एक हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि मतलब NGO के बारे में जानने की, ऐसे कि कई बार हमें एक्चुअली डिटेल में पता नहीं होता है ना, हाउ द NGOs आर वर्किंग इन देयर प्लानिंग, हाउ आर दे एबल टू मैनेज एक्चुअली। सो आई एम ग्लैड दैट कविता यू एक्सेप्टेड माय इनवाइट एंड यू आर हियर टुडे ऑन माय चैनल, ऑन माय पॉडकास्ट एंड ऑन माय वर्ल्ड ऑफ ऑडियंस। द प्लेजर वाज ऑल अस।
थैंक यू सो मच नमिता फॉर योर टाइम. सो कविता, बेसिकली मैंने एक सेपरेट वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें मैंने आपके एनजीओ के बारे में काफी डिटेल्स दी ऐसे, बट व्हाट आई वांट इज लाइक यू आल्सो टू स्पीक मोर अबाउट योर एनजीओ, लाइक हाउ यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ एंड सपोर्टिंग चाइल्ड केयर ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. Maybe, शायद आप, you may want to start off from the day the idea was probably, you know, conceptualized. उसके पीछे inspiration क्या था, उसका purpose क्या था, what, who were the people who were involved from beginning till now, आपकी कोई inspirational, कोई success stories, आपको क्या क्या challenges आए, hurdles आए, आपने उसे कैसे overcome किया. तो ये जो आपकी जो journey है अभी तक, अगर आप ये बता सके मेरे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. श्योर श्योर. सो मैं बेसिकली स्टार्ट करना चाहूंगी कि जब ये दो फ्रेंड्स थे जो एज अपने यंग टाइम में जैसे वॉलंटियर्स करना अच्छा लगता है, वॉलंटियरिंग करना, तो दे यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स. जस्ट तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो लोग वॉलंटियर करते थे एंड इट वॉज देयर पैशन टुवर्ड्स फोटोग्राफी विच ब्रॉट देम टुगेदर. उनको अपने मतलब वो फ्रेंड्स बने थे एंड जब वो हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने वहां पे कुछ ऐसे देखा कि पूरा कॉरिडोर्स है, पूरा बेड्स के ऊपर नीचे बच्चे जो थे मतलब एडमिटेड थे वहां पे. तो कैंसर का वार्ड था ये, जगह नहीं थी लोगों के पास और पूरा भरा हुआ था. सो उनको वो काफी टच कर गया वो सीन और लिटरली मतलब वो डॉक्टर्स के पास गए और उन्होंने पूछा कि हम और क्या कर सकते हैं. मतलब आना वॉलंटियर जैसा कुछ करना और निकल जाना वो एक होता है, अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर्स के पास मिले, पूछा उन्होंने कि और हम इस ज्यादा क्या कर सकते हैं ये बच्चों के लिए, ये फैमिलीज के लिए. तब जाके वो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि मेडिकल का जो है यहाँ पे जो उनका केयर होता है वो सब हम कर लेते हैं, डॉक्टर्स कर लेते हैं, हमको काफी फंड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, स्पेशली कैंसर के बच्चे जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो वो कीमोथेरेपी के बीच में या रेडिएशन के बीच में जो गैप होता है वो 15 डेज टू 20 डेज टू 1 मंथ वैसा रहता है. वो एक बच्चे, हर बच्चे पे डिपेंड रहता है. इस दौरान जब वो हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तब उनका एक्चुअल चैलेंज स्टार्ट होता है. तो ये किसी को समझ नहीं आता क्योंकि हम जब हॉस्पिटल देखते हैं वहां बच्चों को देखते हैं उतना तक होता है, हमको उनकी बात का जर्नी नहीं पता चलता. तो जब वो बाहर जाते हैं और बॉम्बे जैसे जगह पे जो रेंट है, जगह है रहने की, खाने पीने की जो है, ये सब चैलेंजेस उनका बढ़ जाते. और ये जो फैमिलीज आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते, क्योंकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो एशिया में नंबर वन माना जाता है स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट. ऑल ओवर इंडिया से जब वो आते हैं तो उनका यहाँ कोई नहीं रहता है और बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं रहता है कि कैंसर क्या है. उनको ऐसे ही लगता है कि ये नॉर्मल कोई फीवर है या छोटी मोटी बीमारी है. अगर कुछ ट्यूमर भी दिखता है उनको लगता है ये छोटा सा बॉयल है जो ठीक हो जाए, बड़े हॉस्पिटल जाओ और वो ठीक हो जाएगा और हमें वापस जाना है. इसीलिए वो लोग, उनके दिमाग में इतना ही होता है कि 8 से 10 दिन में हम वापस अपने गांव चले जाएंगे. और जब यहाँ आते हैं उनको पता चलता है कि ये 8 और 10 दिन की बात नहीं है, ये 8 और 10 महीने की बात है. तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक फर्स्ट चैलेंज है, फर्स्ट शॉक है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ के आए रहते हैं, जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, सबको छोड़ के वो सिर्फ एक 8 to 10 डेज का सोच के आए होते हैं. तो ये चैलेंज जब वो बाहर जाते हैं, जो थोड़े बहुत उनके पास पैसे भी रहते हैं, वो इनिशियल शेल्टर होम या धर्मशालाज में जहाँ मिनिमम चार्जेस में रहता है और खाना जो रहता है, तो यहाँ उनका चैलेंज हो जाता है कि अब क्या करें आगे. तो उनको रोड्स में या प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म्स में या कॉरिडोर में, तो आप अगर जाओगे टाटा के बाहर और पूरा वो एंटायर एरिया जो है मुंबई का वो फुटपाथ में रहते हैं ये बच्चों को लेकर. तो यहाँ जब थोड़े दिन के बाद ये चैलेंज बढ़ जाता है तब वो बिना डॉक्टर को बताए ये ट्रीटमेंट बीच में ही अबैंडन करके वापस लौट जाते. तो ये डॉक्टर्स लोग, तो ये डॉक्टर्स लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि इनको रोके कैसे. अब इनके पीछे तो जा नहीं सकते हैं डॉक्टर, तो उनके लिए एक वेट होता है कि हाँ नेक्स्ट केमो के लिए आएंगे या नहीं आएंगे. वो हमेशा डॉक्टर, और बहुत बार ऐसे होता है कि ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है या 3 महीने 4 महीने हो गए एंड एंड होने वाला होता है, बच्चा रिकवर हो
हो रहा है वो बचा है और फैमिली वापस चला जाता है Oh. और बिना बताए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको रोक लेंगे. अच्छा. ये डर, हाँ, ये डर उनको रहता है इसीलिए बिना बताए वो चले जाते हैं. सो ये जब बताया उन्होंने, मतलब गिरीश नायर और अंकित जवे जो हमारे फाउंडर्स हैं उनसे जब ये डॉक्टर्स ने बात शेयर की तब उनको लगा कि अच्छा सबसे बड़ा चैलेंज है रहना, शेल्टर, तो हम उसके लिए कुछ करते हैं. ऐसे सोच के उनका जर्नी शुरू कर देखे हम कि जहाँ ये फैमिलीज को हम लाके बिठाए क्या बैठ जाओ यहाँ रहो, रस्ते में मत रहो और वापस मत जाओ, आप ट्रीटमेंट पूरा करो. और ये कब हुआ ऐसा, मतलब which year? 2014 स्टार्ट हुआ हमारा. बट उसके पहले जब उनको ऑलमोस्ट सिक्स टू एट मंथ्स लगा उनको एक जगह ढूंढने के लिए. उनको अच्छा. लगा बहुत इजी होगा, इजी होगा कि हम एक फ्लैट या कुछ एक ले लेंगे एक जगह रेंट में और इनको बिठा देंगे. बट जब वो एक्चुअली गए मतलब ढूंढने के लिए एजेंट्स के पास, तब उनको पता चली जगह मिलता नहीं, रेंट में भी लोग नहीं दे रहे थे जब उनको ये कॉज पता चला. और कुछ रीजंस मतलब मैं शेयर करना चाहूंगी कि उनको ऐसे भी लग रहा था कि उनके प्रॉपर्टी वैल्यूज डाउन हो जाएंगे, यू नो, जब ऐसे बच्चे आके ऐसे फैमिलीज रहेंगे, तो ये सब अलग टाइप का फियर्स था सोसाइटी में. ओके. सो उनको काफी टाइम लगा एक जगह मिलने के लिए. अच्छा. यस. हाँ, तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 8 को एक जगह मिला. पहला हमारा जो सेंटर बना था चेंबूर में. सो 2014 जून में हमने इसका ओपनिंग किया था. वहां पे फर्स्ट 4 फैमिलीज आए थे. सो एज आई सेड वहां पे उनको ऐसा लगा कि शेल्टर देंगे और हो गया, नहीं वैसे नहीं हुआ. जब वो 4 फैमिलीज आए तब रियलाइज हुआ कि नहीं अब तो नेक्स्ट है खाना, वो भी इम्पोर्टेंट है. ये बच्चों के रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन और वेल बैलेंस्ड खाना खाना बहुत जरूरी था. और इनके पास जब पैसा नहीं होता था तो ये रस्ते में जो भी उनको मिल जाता था, जो ऑयल अच्छा ऑयल नहीं रहता है या रस्ते का खाना है, ये खिला देते थे वो लोग बच्चों को. तो उनका रिकवरी में इफेक्ट होता था, हेल्थ में इफेक्ट होता था. जब कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चलता है तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वेल बैलेंस्ड डाइट चाहिए. तब फिर उन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हमने कि चलो इनको ये भी हम प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशन. उसके बाद जब रियलाइज हुआ, थोड़ा और आगे गए तो रियलाइज हुआ कि ट्रैवलिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुंबई में हम सब जानते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो है, तो मोस्टली हमारे पास 14 ईयर्स से छोटे बच्चे आते थे. तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से 7 मंथ्स अलग अलग एज के बच्चे आते हैं. तो ये बच्चों को लेके वो ट्रेन में ट्रैवल करना, फिर आना, फिर वापस नेक्स्ट डे फिर जाना, तो इट वॉज नॉट वेरी इजी. बहुत डिफिकल्टी होती थी, बच्चे टायर्ड हो जाती थी, थक जाते थे, बच्चे वॉमिट करते हैं या चक्कर आता है. और उनका उनका ध्यान रखते रखते पेरेंट्स भी बहुत वीक हो जाते हैं. इमोशनली तो वीक होते हैं और हेल्थ भी उनका थोड़ा ये हो जाता. जब पॉसिबल नहीं था तब उनको फिर पहले तो एक स्टेप हमने स्टार्ट किया कि हमने ये कैब बुक करना स्टार्ट किया उनके लिए, टैक्सी में जाने के लिए एडवाइस किए. बट ऐसा हुआ कि टैक्सीज भी उनको, सब लोग एक जैसे नहीं होते बहुत बार, क्योंकि ये विलेज से आए रहते हैं, इनका लैंग्वेज इश्यू होता है, तो उनको डबल या ट्रिपल चार्ज किया जाता था. तो हाँ, तो कभी आते थे और उनके पास जो 1,000-2,000 रुपीज होता था आके बोलते थे खत्म हो गया. जब उनको कैसे एक दिन में कैसे गए बोलो, टैक्सी जो डिस्टेंस जो 10-15 मिनट्स का होता था वहां उनको इतना चार्ज किया जाता था. अच्छा. तो ये भी हुआ है फैमिलीज के साथ, तो वो फिर वो भी परेशान हो जाते थे अब क्या करें नेक्स्ट. सो उसके बाद हमने ये ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास आइडिया आया और हमने अपना व्हीकल्स रखा, जिसकी वजह से फैमिलीज एकदम सेफ सिक्योर सेंटर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सेंटर वापस आते हैं. तो उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लगता है. सो ये हमारा बिगनिंग था, ये फर्स्ट चीज हमने स्टार्ट किया. जो सपोर्ट मिला, और जो सपोर्ट भी मिला जगह जो मैं बोल रही हूँ, वो जैसे रहते हैं बोलते हैं ना कुछ, कभी कभी मिल जाते हैं हमको. तो एक ऐसे मिल गए हमको डोनर जिसने हमको वो
जगह भी रेंट में दिए, नॉट विद एक्चुअल कमर्शियल रेट बट बहुत कम उससे, कि ये हमारा एक डोनेशन है उनकी तरफ से, ऐसे करके हमको वो जगह भी मिली थी रेंट में. नाइस, दैट वाज आवर बिगनिंग. एंड फिर स्लोली जैसे हम ग्रुप और सेंटर्स बनते गए और एक्सपीरियंस बहुत हुआ हमको, और एवरी न्यू सेंटर हमने ट्राई किया कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ऐड करें और उससे कुछ नया सीखें. Yeah, this is really touching, Kavita. I mean, जो सारी बातें आपने बताई, like ये मेरे लिए भी काफी new है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि probably they were like जो भी कोई families आती है for the cancer treatment, उनके पास generally जहाँ तक मुझे लगता था कि probably they were already aware और उतना वाला planning करके आते होंगे. पर अब जैसे कि आपने बताया कि like many of them are actually coming from remote villages. मे बी ड्यू टू एजुकेशन या ऐसे भी कुछ, उनको शायद उतना अवेयरनेस है ही नहीं. एंड द चैलेंजेस दैट दे फेस इज लाइक, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. इट इज लाइक एंड स्पेशली फॉर पेरेंट्स ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा बच्चे की तरफ से भी. ऐसे काफी टाइम उनका वहाँ चला जाता है, वो क्या हुआ ये सोचने में और यहाँ पहुंचने में का. उसको वाटर पंप में खेलने के टाइम उसके हाथ में छोटा सा वुंड हुआ था, सो वो जैसे घर पे पहले गांव में तो कैसे इनिशियली जो हल्दी लगाते हैं वैसे लगाते, वैसे थोड़े दिन वो लगाया, वो ठीक हो गया 2-3 दिन में. बट जैसे 10 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा था तो डॉक्टर के पास गए, फिर वो बढ़ता गया, वैसे करके डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला. तो उस दौरान अराउंड 1.5 या 2 महीने निकल गए, और जब तब उन्हें पता चला कि कुछ अब ठीक नहीं लग रहा है, आप थोड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए. वहां जब वो गए और थोड़े टेस्ट हुए तो रियलाइज हुआ कि बच्चे को ट्यूमर जैसा है वो लेफ्ट हैंड में, और उसका पूरा हाथ मतलब एम्प्यूकेट करना पड़ा था शोल्डर से. ओह माय गॉड, वो बच्चे. या सो शी वाज 5 and 5 year old girl. अच्छा. सो एंड उसके बाद वो भी मतलब टाटा आने के बाद. तो ये क्या हुआ, ये जो 2-3 महीने का डिले हुआ क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, वहाँ के डॉक्टर्स पकड़ नहीं पाए, पहले तो वो लोग खुद भी अपना ट्राई कर लेते हैं घर पे, तो ये रीजन से जो डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में वो बहुत इफेक्ट कर जाता है ये बच्चों को. right. जब तक वो यहाँ तो ये काफी कमेंडेबल जॉब है कविता. आई मीन जो मैं स्टोरीज आपसे सुन रही हूँ, दिस इज लाइक हाईली कमेंडेबल. तो कविता बेसिकली अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि लाइक अभी ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होते हैं, सो हाउ आर यू एबल टू रीच आउट टू देम, आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे करते हो? एंड ऑन सेकेंडली फ्रॉम दियर साइड ऑल्सो, हाउ आर दे एबल टू लाइक ऐसे बोलते ना कि वो आपको ट्रस्ट कैसे कर पाते हैं कि अगर आप उनसे कहते हो दैट यू विल प्रोवाइड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन, आप उन्हें डेफिनेटली उन्हें काउंसिल करते हो, तो उनका वो ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड करते हो? फैमिलीज का. यस राइट, मतलब आप जैसे कि फर्स्टली हाउ यू रीच आउट टू देम एंड हाउ यू बिल्ड दैट ट्रस्ट ताकि वो आए एंड दे कम एंड स्टे इन योर सेंटर. तो बेसिकली हर ऐसे हॉस्पिटल्स में मेडिकल सोशल वर्कर जो MSWs रहते हैं, वो एक डिपार्टमेंट रहता है वहां पे जहाँ पे ये फैमिलीज जब आते हैं हॉस्पिटल उनको अप्रोच करते हैं उनके कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज लेके. तो हमारा जो ये कॉन्टैक्ट रहता है वो MSWs के साथ रहता है, जिनको हमने पहले से ये बता दिया होता है, हमारा एक हॉस्पिटल्स के साथ रिलेशन होता है. तो जब ये फैमिलीज वहाँ जाते हैं तो उनका पूरा जो पेपर वर्क है वो ये MSWs चेक करते हैं. तो हम उस पेपर वर्क में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते क्योंकि हमको MSW जानते हैं पूरी तरह से. तो जब वो फैमिली उनको बताता है कि हमारे पास एक्चुअली कोई जगह भी नहीं है और हमारा कोई रिलेटिव्स भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ ऐसे फैमिलीज रहते हैं जिनके रिलेटिव्स रहते हैं, 1-2 दिन के लिए जब वो आते हैं मुंबई उनको वहां रखा जाता है, बट जब इमिजिएटली पता चलता है कि ये बच्चे को कैंसर हुआ है और इनका स्टे 6 से 8 महीने होने वाले हैं, तब वो रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि आप अपना कुछ और बंदोबस्त कर दीजिए, हम इतना टाइम तो आपको नहीं रख पाएंगे. सो दैट इज व्हेन वो रियली और एक उनको शॉक
और ये लग जाता है, तो ये MSWs उनको हेल्प करते हैं उनका पूरा पेपर वर्क करके, ड्यू डिलिजेंस फॉलो करके, उनके जो कैटेगरीज हैं अंडरस्टैंड करके, उसके बाद हमको कॉल करते हैं। और हमने भी ये प्रोटोकॉल रखा है कि हम सिर्फ अगर MSW ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्स अस तो ही हम एडमिशन देंगे, हम जाके सिलेक्ट नहीं करते, जैसे रोड्स में हम जाके फैमिलीज को सिलेक्ट नहीं करते, या कोई हमें कोई पहचान से कोई रिफर करता है, हम बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल से आइए, सो दैट देयर इज नो। और एक बार जब फैमिली अग्री करता है तो हमारा एक प्रोसीजर रहता है कि हम उनको कॉल करके हमारी पूरी फैसिलिटीज को समझा देते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, फिर हमारा व्हीकल जाके उनको लेके आता है, और वो एक्चुअली जब आते हैं हमारे पास और देखते हैं तो आप भी इमेजिन कर सकते हो, जो फैमिली लिटरली 2-3 दिन अगर रास्ते में या रोड पे उन्होंने प्लेटफॉर्म पे बिताया है रात, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये मानना कि अब यहाँ हम रहेंगे। तो जैसे आपने भी हमारे सेंटर्स देखे, तो जब वो रूम देखते हैं और हम बोलते हैं ये अभी आपका है, तो वो खुशी के आंसू है या क्या, बट दे आर रियली हमने मतलब ये लोग ने हमने जेन्यूनली हमको ये जगह दी है, तो वो ट्रस्ट उनके लिए बहुत बड़ा ये हो जाता है। सो वंडरफुल कविता। सो कविता, जैसे अभी आ जाते हैं, जैसे कि अभी आपके मतलब मैं वेबसाइट्स के थोड़ा गो थ्रू कर रही थी, तो मैंने कुछ चीजें रीड की वहां पर, तो जैसे कि आपके यहाँ पर ऐसा एक लिखा गया था कि लाइक एज सून एज कोई भी फैमिली आती है आपके यहाँ पर, तो उन्हें आप एक हाइजीन किट प्रोवाइड करते हो, तो वो हाइजीन किट क्या होता है, कैन यू प्लीज इलेबोरेट? हाँ, या श्योर। सो कैसे होता है ना कि ये उनको नाना भी जरूरी नहीं होता है, इट्स ओके, कपड़े बदलना भी जरूरी नहीं होता है। सो तब उनको समझाया जाता है कि वो आपके बच्चे के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, आपका क्लीन होना, हाइजीन होना, बच्चे का क्लीन और हाइजीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एक ऐसा हमने किट रेडी किया है जिसमें उनको इनिशियली वो देखते ही वो सारी चीजें दिख जाते हैं, हाँ ये सही है, ये हमको यूज करना है। तो आप स्टार्ट करोगे तो टूथब्रश से लेके, सोप से लेके, जो खाना खाते हैं वो लोग इतने यूज टू हो जाते हैं कि उनको न्यूज़पेपर में भी खाना मतलब बिल्कुल ओके लगता है। ओके, बट वो हाँ, तो उनको उसमें स्टील का प्लेट है, या जब हॉस्पिटल्स में वो लोग रुकते हैं जब टाइम लगता है, तो कुछ भी बाहर से लेके आए, पेपर में लेके आए, खाना शुरू कर दिया, तो वो ऑयल है, जो डस्ट है, फिर ग्लास, तो वो ग्लास में पीना है, स्पून अच्छा लेना है, फिर थर्मोमीटर है, जो भी बेसिक है, पेटाडाइन जो गागल के लिए लगता है, जो वो बच्चे को लगता है इनिशियली ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा किट देते हैं। और ये किट हम सिर्फ हमारे वहां जो आते हैं एक्सिस लाइफ में, अभी जैसे हमारे वहां भी एक लिमिट है हमारे पास कि हमारे पास इतना रूम है, बट देर आर मेनी मोर, मतलब टाटा या दूसरे हॉस्पिटल्स भी जहां आते हैं, मोस्ट 50,000 किट्स डिटेक्ट होते हैं कैंसर से इंडिया में। Okay. और मुंबई में इट्स अराउंड ये सिचुएशन है। सो ये जो फैमिलीज आते हैं, तो एज आई सेड हम लोग 60 लोगों को लाते हैं, जो बाकी के फैमिली है आ तो नहीं सकते, बट हम उनको ये किट जाके देते हैं, तो हम उनको शेल्टर नहीं दे पाते हैं, बट ये किट हम लोग सबको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हॉस्पिटल्स का ओपीडी रहता है तो वहां पे जाके हम ये देते हैं, और वहां उनको ये समझाते भी हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे यूज करना है, और ये कैसे आपको आपका जो रिकवरी है, जर्नी ऑफ रिकवरी है, उसको कैसे स्मूथ बनाता है, वो हम उनको समझाते हैं। ये वेरी वेल प्लान्ड कविता। तो कविता, अभी जैसे कि आप आपके सेंटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप कुछ और डिटेल बता सकते हैं आपके सेंटर्स के बारे में? एज फार एज आई नो कि आपका चेंबूर में है, बैंड्रा में है, और अभी आपने रिसेंटली पुणे में भी स्टार्ट किया है, तो कुछ और बता सकते हैं आपके पुणे की, मुंबई की, इन सारी फैसिलिटीज के बारे में? तो जब ऐसे जब वो फैमिलीज आ जाते हैं हमारे पास, उनको एक अपना जैसे हमने बोला रूम, पहले तो हम उनको अपना रूम दे देते हैं, तो उनको वो ही एक पहले जर्नी स्टार्ट होता है कि ये अपना है,
कंफर्टेबल जो बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक उनका एवरी फैमिली के लिए यूटिलिटी सेट है, okay. तो उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। अच्छा। उसमें सारा उनका जो हाँ खाने बनाने का आइटम चीजें रहते हैं, जैसे जो लगते हैं उनको बर्तन, कुकर से लेके वेसल से लेके प्लेट स्पून ग्लास जो भी जो है वो सारा हम उनको एवरी फैमिली को सेपरेट देते हैं। उनका ब्लैंकेट्स है, सेट ऑफ ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये भी हम उनको अलग से देते हैं। तो एवरी फैमिली को जब वो वेलकम होते हैं वहां पे, तो हमारे एक सेंटर कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं हर सेंटर में, okay. वो उनको अपना पूरा सेट देते हैं। तो ये जर्नी है नमिता। हाँ, तो नमिता यहाँ पे हमारा कनेक्शन फर्स्ट बिल्ड होता है, जब उनको सब अपना मिलता है तो उनको लगता है हाँ ये हमारा अपना है। उसके बाद उनका खाने का होता है, तो सारा जो ग्रोसरी रहता है वो हर सेंटर में हम एटलीस्ट 1 month का स्टॉक एडवांस में रखते हैं। ओके। हाँ, और वहां का जो खाना भी बनता है, वहां के जो मतलब जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, वो लोग खाना बनाते हैं। मतलब हम ऐसे बिलीव नहीं करते हैं कि एक साथ बना दिया, दो आइटम बना दिया और सब खाओ, जो कम्युनिटी किचन बोलते हैं, वैसे हम नहीं बिलीव करते। हम चाहते हैं कि एवरी फैमिली गेट्स इन्वॉल्व, हर मदर वो इन्वॉल्व रहे। तो जैसे हमारा किचन फैसिलिटी है, वहां पे अगर 30 फैमिलीज है तो हमने 15 गैस स्टोव रखे हैं, तो दो फैमिली एक गैस स्टोव को शेयर करता है। ओके। हाँ, और मदर्स कुकिंग यू क्यों करते हैं, उसके भी रीजन हमारे पास बहुत लोग पूछते हैं कि आप उनसे ही खाना बनवाते हो, ऐसा क्यों, मतलब उनकी मम्मी। तो रीजन वो था इसके पीछे, एक तो मम्मी इज द बेस्ट पर्सन, उनके हाथ में मैजिक तो होता ही है। वेरी ट्रू। और yes, और दे आर द पर्सन जिसको पता रहता है कि उसके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, एंड शी इज रेडी टू मेक ऑल्सो, जैसे बच्चा बोलता है वैसे कम ज्यादा करके शी इज रेडी टू मेक, वो एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमने ये भी देखा है कि जितना मम्मी ऑक्यूपाइड रहते हैं उतना वो कम सोचते हैं और कम टेंशन करते हैं कि मेरे बच्चे को ये क्यों हुआ, क्यों मेरे बच्चे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत लोगों के फर्स्ट बेबी रहते हैं, मतलब सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो जितना कम टाइम उनको सोचने में मिलता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जितना आइडियली वो बैठेंगे उतना ज्यादा ये बातें सोचेंगे, और जितने ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, मम्मीज किचन में इन्वॉल्व रहते हैं तो, और मतलब ऑब्वियस है कि पापा को बच्चों को देखना पड़ता है, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि बैठ के किसी के साथ कुछ गॉसिप करो या चिट चैट करो, दे आर बिजी विद देयर एक्टिविटीज। राइट। सो दैट वाज आवर इंटेंशन टू गिव द किचन्स एंड टेल द मम्मीज टू डू द कुकिंग। सो वो एक हो जाता है। उसके बाद हमारे और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक्सेस लाइफ फॉलो करता है हर सेंटर में इज वॉशरूम्स। ओके। तो ये बहुत ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगता है सुनने में, बट ये एक जगह है जहाँ पे ये बच्चों को सेकेंडरी इन्फेक्शन लग सकता है। ओह राइट। तो इसको क्लीन रखना एवरी यूज के बाद, उसका हाइजीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास जो फैमिलीज आते हैं वो ऐसे जगह से आते हैं जहां उन्होंने कभी वॉशरूम देखा भी नहीं है। सो हमने भी ये एक्सपीरियंस सुना हमारे फाउंडर्स लोग का, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो बहुत लोग, काफी फैमिलीज ऐसे थे जो उनको पूछ रहे थे कि हमें खेत कहाँ मिलेगा, उनको वॉशरूम में जाना नहीं रहता है इतने यूज। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, ओके, वॉशरूम के अंदर जाके कैसे यूज करना है वो भी आइडिया नहीं रहता, फ्लश क्या होता है, वेस्टर्न टॉयलेट्स क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं रहता। तो वहां हमने काफी कुछ यूट्यूब में हेल्प लेके उनको दिखाया और सिखाया, स्लोली जाके यस थोड़ा बिगनिंग में उनको होता है, बट अगेन वी थॉट कि अगर इतना भी उनको नहीं होता है तो हमारा जो न्यू पुणे सेंटर है वहां अपने हमने एक इंडियन टॉयलेट भी रखा है इस बार। तो हमारे लास्ट फ्यू सेंटर्स में हमने नहीं रखा था, बट हमने देखा कि फैमिलीज को थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमने वो भी किया। तो हम देखते ट्राई करते हैं हर सेंटर में कि फैमिलीज खुश रहे, बस वो जाए नहीं वापस ट्रीटमेंट्स को आधा छोड़ के। सो कविता, लेट मी टेक दिस मोमेंट टू एक्चुअली अप्रिशिएट यू एंड एक्सेस लाइफ,
कि आपने इतना सोचा इनके बारे में, लाइक यू आर एक्चुअली बीइंग कंसिडरेट एंड कंपैशनेट, और आप ये भी सोच रहे हो कि सामने वाले इंसान को क्या क्या तकलीफें हो सकती है, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैंड होल्डिंग, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते वैसा. आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्चुअली यू नो अप्रिशिएट द काइंड ऑफ नोबल वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग. आई होप कि आगे जाके आपके लॉन्ग रन में हमेशा ब्लेस्ड रखेगा. So, कविता आते हैं फिर से आपके सेंटर के ऊपर, लाइक हाउ इट इज ऑपरेटिंग. ऐसे तो अभी जैसे कि आपने कहा कि आई थिंक 2 months से लेकर 14 इयर्स तक यू हैव चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. तो ऐसा आपका कोई ऐसे लिमिट होता है उनके स्टे का कि आप सिर्फ उनको 6 months ही रखोगे या 1 year ही रखोगे, ऐसा कोई लिमिट रखा है आपने ऐसे कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. जब वो आते हैं हमारे पास, फर्स्ट थिंग हम उनको समझाते हैं कि अब आपका फोकस होना चाहिए बच्चा और उसका ट्रीटमेंट. राइट. आपको और कुछ भी नहीं सोचना है. सो मेडिकल हॉस्पिटल टेक्स केयर, वो लोग अपना जो मेडिकल उनका एक्सपेंसेस है, जो बाकी के चैलेंज है जैसे मेन क्या होता है, शेल्टर है, खाना है, ट्रैवलिंग है, तो ये तीनों हम देंगे. बस आप जब तक बच्चे ठीक नहीं होते आप यहाँ रहिए. तो हमारे पास है फैमिलीज जो ऑलमोस्ट 1.5 years रह के जा चुके हैं, बट देर इज नो लिमिट. उनको पूरा ठीक होके ही वापस जाना है, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट होके जाना है. और उसके बाद भी कैसे होता है कि 5 years तक ये चैलेंज थोड़ा रहता है. सो ओनली आफ्टर 5 years द चाइल्ड इज कॉल्ड कैंसर फ्री. ओके ओके. या सो देयर इज अ चांस ऑफ रिलैप्स एंड ऑल, ऐसा हॉस्पिटल से बताया जाता है. सो उस तो जैसे ट्रीटमेंट होके जाते हैं उनका, तो उनका एक फॉलो अप रहता है. तो इट स्टार्ट्स विद पहले 3 months, फिर 6 months, फिर ईयरली, उसके बाद 5 years जैसे होता है, फिर वो फिनिश. तो ये जो एवरी फॉलो अप में जब वो लोग आते हैं तभी वो एक्सेस लाइफ आते हैं. Right. तब उनका स्टे होता है. यस. तो वो हमको 1 हफ्ते पहले कॉल करके बताते कि हमारा नेक्स्ट फॉलोअप ये डेट को है और हम आ जाएंगे. सो अगेन उस, लेकिन इतना ही डिफरेंस होता है कि तब उनका स्टे होता है 3 to 5 days फॉलोअप. अच्छा. और इनकेस कुछ कॉम्प्लिकेशन है या डॉक्टर्स बोलते हैं थोड़ा और रुक जाओ, तो रुक जाते हैं. अदरवाइज फॉलोअप में 3 to 5 days वो रुक के जाते हैं. राइट. तो कविता इसका मतलब जो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वंडरफुल. कुछ भी नहीं. तो इवन वो नॉमिनल वो बोलते हैं, दैट्स रियली स्वीट काइंड ऑफ यू. तो कविता आपके अभी जैसे कि अभी आपका सेंटर है, आपके सेंटर में किस टाइप की फैसिलिटीज है? लाइक अभी जैसे कि मैंने कहा दैट आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट, मैंने उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि आप प्लान करते हो, आप मैनेज करते हो, जो बच्चे हैं जो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ काउंसलिंग हो गया, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी, आई थिंक आपने कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी अरेंज किए थे, उनको कुछ एजुकेशन देना, कोई इमोशनल सपोर्ट देना. सो हाउ डू यू प्लान दैट? उसमें आपकी फैसिलिटीज में और क्या क्या है? जहां तक मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आपने मुझे जब आपका टूर भी दिया था सेंटर का, आई सॉ कि मतलब वहां पे फ्रिज वगैरह भी सब रखा है. सो कैन यू आल्सो इलैबोरेट मोर ऑन दैट? श्योर. सो दिस कम्स अंडर देयर यूटिलिटीज. एज आई सेड, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हमने देखा कि मेडिसिन है, जो मिल्क है, इसके लिए फ्रिज जरूरी रहता है. बट अगेन हमारा इसमें एक चैलेंज था कि अगर हमने फ्रिज रखा तो फैमिलीज अपना खाना स्टोर करेंगे, फिर वो उनको थोड़ा बनाने में कभी बोर हुआ तो उसको ही गर्म करके देंगे. तो तब हमको लगा कि ये, हाँ, तो ये फैमिलीज को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि फ्रिज तो हम लाएंगे बट ये सिर्फ आपके मेडिसिन के लिए और मिल्क के लिए यूज करोगे आप. okay. या एनी पेरिशेबल आइटम, जैसे हमको सिर्फ खाने में सिर्फ एग और पनीर अलाउड होता है. अच्छा. सो वो भी बच्चे के लिए, अदरवाइज हमारे सेंटर में नहीं बनता है. तो वो जो पनीर है, जैसे मिल्क है, इसके लिए फ्रिज जरूरी रहता है. तो ये फैमिली को बताया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है कि इसमें आप खाना नहीं रखोगे और खाना हर बार आप फ्रेश बनाओगे, गरम बनाओगे, क्योंकि ये आपके बच्चे की रिकवरी के लिए अच्छा है. तो इसकी वजह से हमने हर सेंटर में फ्रिज रखा है.
और थोड़ा और फैसिलिटीज भी हम देते हैं, जैसे वॉशरूम्स में थोड़ा गर्म पानी है, बच्चों को टब में बिठाना पड़ता है ल्यूक वार्म वाटर में, तो ये गर्म पानी करके लाना और उसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है उसको उठा के लाना वॉशरूम तक, तो इसीलिए हमको गीजर्स भी लगवाने पड़े। और ये मैं क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब वो वापस चले जाते हैं उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, तो ये हमको एक थोड़ा वरी का इश्यू है, क्योंकि उनको हम इतना ज्यादा भी कुछ नहीं कंफर्ट लेवल में लाना चाहते कि वापस जाके उनको तकलीफ हो, बट कुछ चीजें बहुत जरूरी भी है उनके रिकवरी के लिए। राइट हाँ, जैसे हमको सजेशंस आते हैं कि आप सेंटर में एसी लगाओ, तो ये जरूरी नहीं है इतना, बट सेम टाइम गीजर जरूरी है, तो ये हमारे लिए डिसीशन लेना वो एक चैलेंज होता है। Absolutely. कि हम बच्चे को हाँ उतना ही दें उनको कि उनको अच्छा मिले, जल्दी रिकवर हो, बट सेम टाइम उसकी आदत नहीं लग जाए। Absolutely. तो इतना भी जब हम फैसिलिटी देते हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे जो घर जाने के बाद जिद करते हैं कि हमको मुंबई वाले घर में वापस जाने तो वैसे okay. तो हमको ऐसे खुशी हो रही है कि हम चलो इतना उनको ये, बट अगेन वी डोंट वॉन्ट देम टू मिस, वी वॉन्ट देम टू बी कैंसर फ्री और अपना लाइफ वहां वो एंजॉय करे। You have made a difference in their lives. Yes, yes. So, उसके साथ जैसे आपने कहा उनका मेंटल बैलेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये अगेन एज आई टोल्ड यू अब तक का जो जर्नी बताया कि उनको बहुत उनको कुछ अवेयर नहीं होता है, तो पहले तो बहुत शॉक लग जाता है उनको। इवन मदर्स एंड फादर्स, ऐसा नहीं है कि मदर जल्दी, इतना ही होता है कि फादर्स उसको जल्दी बता नहीं पाते हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी ये बड़ा चीज लग जाता है कि कैंसर क्या है और ये कोई नॉर्मल ये नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। सो एज आई सेड, जब वो 8 महीना सुनते हैं ना, तो वो बहुत हिल जाते right. तो उनको नॉर्मल तो इनिशियली हमको बहुत ये हुआ क्योंकि वो ओपन नहीं होते हैं। उसके बाद जब हमने ये सब चैलेंजेस देखा, तो हमको लगा कि एक काउंसलर की बहुत ज्यादा जरूरत है ऑन बोर्ड, नहीं तो हमको बाहर डिपेंड होना पड़ता था कि कोई उनको समझाए, कोई बताए। तो इसीलिए हमने 2020 जैन से हमने एक ऑनबोर्ड काउंसलर रखा है, जो हर फैमिली के साथ, हर एक फैमिली के साथ इंडिविजुअली बात करते हैं, उनका चैलेंजेस समझते हैं, क्योंकि चैलेंजेस एज आई सेड बहुत अलग अलग टाइप के हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, बहुत डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस है। तो उनके साथ इतना बैठना, टाइम स्पेंड करना और समझना और उनको फिर उसका सोल्यूशन भी देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हो जाता है कि जब वो उस साइड से अगर वो रिलैक्स है, पीसफुल है, हैप्पी है, तो ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं। राइट ये हो जाता है, अदरवाइज वो टेंशन में ऑलरेडी बच्चे का रहता है, उनको अगेन दोज टेंशन वो नहीं फेस कर पाती रियली। सो दैट्स व्हाई वो काउंसलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इनिशियली ओपन अप नहीं होते क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं रहता, उनको लगता है ये क्यों हमारे बारे में इतना पूछ रहे हैं, बट यस द काउंसलर डज द मैजिक। जब उसको लगता है कि ये फैमिली को कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो उस वे में उनसे बात करते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं कंटिन्यूअसली, और ये कंटिन्यूअस ईच फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, डिफरेंट वेज, डिफरेंट थेरेपीज वो अपना ट्राई करते हैं और उनको उस स्ट्रेस से बाहर लाते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर नमिता कि हमारा ग्राफ भी ना, जब वो आते हैं, जो स्ट्रेस लेवल हम मेजर करते हैं, और जब वो जाते हैं, बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है। वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन कविता। सो कविता, व्हाट अबाउट द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जैसे कि आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी रखते हो। मैंने इनफैक्ट कुछ बच्चों का आपका एजुकेशनल भी देखा कि आप एजुकेशन उनका कंटिन्यू करवाते हो, ये दो चीज आप कैसे मैनेज कर लेते हो? तो जब काउंसलिंग होता है, ठीक होते हैं, तो उनके लिए कुछ एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है ना, दिन भर वो हॉस्पिटल में रहते, तो हमारी फैमिलीज जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट मॉर्निंग 6:30 को निकल जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, और जब शाम को आते हैं 4-5 बजे, तो रियली दे आर वेरी डाउन एंड टायर्ड।
सो दैट टाइम समथिंग दे नीड. और अगेन क्या होता है, जब वो गैप मैंने बताया 10 दिन 15 दिन का जो गैप होता है, इस टाइम में वी सी कि उनको कैसे हम बिजी रखें. तो इसमें हमको वॉलंटियर्स का सपोर्ट मिलता है और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करते हैं. तो फिजिकली हमारे वॉलंटियर्स आके ये करते थे, बट लास्ट एज यू नो 1.5 ईयर से हमको ये स्टॉप करना पड़ा. तो इनिशियली हम भी 2 या 3 महीने तक यही सोचते रहे कि कैसे इनको करें, बिकॉज वो मोमेंट भी उनके लिए बहुत ये था, क्योंकि कोई जाता नहीं था सेंटर और कुछ बच्चे कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए तो उनको वो नहीं हुआ. तो हमने सारा कुछ वर्चुअली स्टार्ट किया. तो उसमें सब कवर होता है रिक्विशन में, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, मिमिक्री है, शोज है, आर्ट वर्क है, ओरिगामी है, बहुत कुछ इंक्लूड करते हैं जहां वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और वर्चुअली ये हर सेंटर कनेक्ट होके ये कंडक्ट होते हैं. तो ये इनकी रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिक्रिएशन. एंड सेम टाइम जैसे एजुकेशन कहा, तो ये भी हमने बहुत लेटली इंट्रोड्यूस किया जब हमको पता चला कि जब ये बच्चों का जर्नी, जैसे कहा मिनिमम 6 मंथ रहता है, तो बच्चे जब 6 मंथ के लिए स्कूल नहीं जाते हैं या उनका टच नहीं रहता है और वापस जाने के बाद भी ऑलमोस्ट उनका 1 साल मिस होता है. ओके. जाते हैं वापस रिकवर होके, उनका 1 साल निकल जाता है, तो बाद में उनको वापस वो जोन में लाना बहुत मुश्किल है. वो नहीं मानते स्कूल जाने में, या वो बैक, उनको एक लगता है कि हमारे फ्रेंड्स आगे निकल गए ना, जब वो गाँव वापस पहुंचते उन्हें दिखता है कि वो दूसरे स्टैंडर्ड में चले. तो ये सारी चीजें जब रियलाइज हुए हमको, तो हमने एक ऑन बोर्ड टीचर भी रख दिए है अभी. वंडरफुल. यस. सो व्हाट शी डज इज, अगेन उसका चैलेंजेस भी अलग है, क्योंकि फर्स्ट होता है कि एज गैप, और उनकी जो रिमोट जगह से वो आते हैं. तो जैसे हमने अभी यहाँ, हमको ऐसे लगता है कि चलो 6 इयर्स है तो ये स्टैंडर्ड में होना चाहिए, तो वहां पे वो केस नहीं रहता है विलेजेस में. तो एवरी चाइल्ड का बेसलाइन स्टडी होता है. शी कंडक्ट अ सेट अ टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे का कहाँ है ग्रोथ, ये कौन से स्टैंडर्ड में फिट हो रहा है. सो बिलो 3 इयर्स के बच्चों को अभी उसमें नहीं लाते हैं हम लोग, उसमें मोटर स्किल्स और वो सब इंक्लूड करते हैं. बट अबाव 3, जब वो 4 टच, उन सारे बच्चों का टेस्ट होता है इंडिविजुअली, तब उसको रियलाइज होता है ये कौन से उसमें मैच होगा. फिर अकॉर्डिंगली वो सिलेबस बनता है. अगेन एज आई सेड, यहाँ पे लैंग्वेज एक इश्यू हो जाता है, तो बहुत वो एक डिफरेंट लैंग्वेजेस उनका रीजनल, तो वो भी हम ट्राई करते हैं कि अगर बिल्कुल भी अगर उनको नहीं आता है हिंदी या कुछ, सो वी ट्राई कि कोई वॉलंटियर्स है क्या जो उनके लैंग्वेज में उनको सिखा सके. उसके बाद जब वो अंडरस्टैंड होता है तो उनका एवरी सेशन होता है और उसके रिविजन भी होते हैं. एंड आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स व्हेन दे गो बैक, एक रिपोर्ट कार्ड बनता है उनका, सो दैट द फैमिलीज कैन गो एंड शो. जब वो वापस जाते हैं वहां उनके स्कूल में, वो दिखा सके कि लास्ट 6 मंथ्स ये बच्चे ने क्या किया. ओके. हाँ, इससे क्या होता है, बहुत चांसेस है कि जब अगर उसने कवर अप किया है पोर्शन, तो उसका वो साल वेस्ट नहीं होता. दैट्स अ गुड स्टेप. वो बहुत हेल्प हुआ है. एंड ऑफकोर्स किड्स को दे आर इन टच विद द एजुकेशन, उनको वो रिकवरी में भी हेल्प होता है. और एंड दे लर्न, मेनी टाइम्स दे लर्न न्यू लैंग्वेज, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. एब्सोल्युटली. सो कविता, अभी जैसे आपके पास आपके वॉलंटियर्स है या कोई काउंसलर्स है या मे बी पीपल हु आर एम्प्लॉयड आउट ओवर देयर, तो आप इन सबको आप मोटिवेटेड कैसे रखते हो? ये एक बहुत बड़ा ये है कि हमको इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन है जब हम वो बच्चे को ठीक होके जाते हैं. सो दैट इटसेल्फ आई कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो नमिता, इट्स जब वो एक प्रोसेस रहता है हमारा, एक बाय बाय कीमो या तो डुशुम टू कैंसर जैसे बोलते हैं ना, कि हम विन हो गए, हमने डिफीट किया है कैंसर को, ये एक मोमेंट हम कैप्चर करते हैं बच्चों से. So this itself is a very motivating. So ये connect होता है. And जब वो लोग actually देखते हैं, जब वो लोग भी देखते हैं, numbers देखते हैं specially. Okay. So जब when treatment is completed,
ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर्स इज एडेड टू दैट चाइल्ड्स लाइफ. वेरी करेक्ट. सो ये काउंट जब देखते हैं सब लोग ऑटोमेटिकली यू नो कनेक्ट होते हैं. सो ऑफकोर्स कॉज और मिशन है ही, तो दैट्स हाउ वी गेट वी कीप अवर volunteers, our team, you know, motivated and engaged. Absolutely. So Kavita, अभी जैसे कि कोई volunteers आता है ना, say for example, अगर मुझे आपके यहाँ पर volunteer आके like I want to do some work, तो आप क्या steps लेते हो to ensure कि मतलब हो भी सकता है कि आपके पास शायद कुछ criteria हो, अगर ये criteria कोई satisfy नहीं करता है तो आप उनको as a volunteer नहीं लेते, तो ऐसा कोई criteria है आपके पास? नहीं, क्राइटेरिया जब कोई अप्रोच करता है तो एक तो है पहले हम उनको अपना सेंटर दिखाते हैं, बिकॉज बेसिकली कैसे होता है, वी डोंट नो विद व्हाट दे हैव कम इन. आइदर उनको ऐसे रहता है कि बस हमको कहीं एनजीओ में वॉलंटियर करना है और वहां आके पता चलता है यहाँ क्या. तो फर्स्ट हम उनको अपना सेंटर, जैसे वो वर्चुअल टूर हुआ था वो करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा कैसे रन होता है, हमारा हमारी फैमिलीज कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, बिकॉज वो समझना भी जरूरी है कि ये बच्चे वैसे बहुत एक्टिव है, दे आर नॉट स्पेशल चाइल्ड और दे आर नॉट हैंडीकैप, वैसे दे आर वेरी परफेक्ट. सो समटाइम्स यू सी देम यू डोंट रियलाइज ऑल्सो कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने मस्ती और इतना उनको एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल होता है. सो इसीलिए वॉलंटियर्स को पहले हम ऐसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद वॉलंटियर्स से अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है. ओके. उनका यस वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो फ्यू थिंग्स उनको बोलते हैं आप शेयर करो हमसे कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. तो बहुत ऐसे होता है कुछ, हाँ कुछ स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, कुछ इंटरैक्टिव सेशंस में अच्छे हैं, कुछ अच्छा गाना म्यूजिक बजाते हैं, कुछ लोग हैं जो वॉलंटियर्स टीचिंग में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे हैं कि सेंटर को ब्यूटिफाई करने में या और क्लीनिंग टिप्स देने में उसमें एक्सपर्टाइज रहता है, तो सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज रहता है, तो वो शेयर करने के लिए बोलते हैं. उसके बाद हम देखते हैं ये कौन से सेंटर में हम इनको ये कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं. ऐसे करके वो हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं और उनको टाइमिंग्स और ये सब समझा देते हैं, क्योंकि वॉलंटियर का अपना टाइम है, फैमिलीज का अपना टाइम है, तो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट देयर टाइमिंग्स वॉलंटियर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं. और वॉलंटियर्स का भी इन्वॉल्वमेंट ऐसे होता है कि कुछ लोग फुल डे देना चाहते हैं, हाफ डे देना चाहते हैं, कुछ घंटे देना चाहते हैं, तो काफी कुछ है उसका. स्पेशली हम एक ये करके अंडरस्टैंड करके उसमें एक रिजल्ट आता है उसका. ये आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कविता, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है, लाइक दे वॉन्ट टू वॉलंटियर, उनको ये नहीं पता होता है कि हम किस किस चीजों में वॉलंटियर कर सकते हैं. तो ये आपने एक्चुअली बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, काफी एनरिचिंग है ये. और ये व्यूअर्स और ऑडियंस जो अभी देख रहे हैं मेरे, उनको भी अगर समझो किसी को कोई इंटरेस्ट होगा, सो नाउ दे विल हैव अ क्लियर आइडिया कि किस टाइप ऑफ वॉलंटियर वर्क वो कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और ये कॉज ऐसा है जहाँ पे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो इसमें हमको वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट ऐसे लगता है कि अवेयरनेस स्प्रेड करे इवन अमंग देयर नियर एंड डियर वन कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता है. बच्चों को भी बहुत बार ऐसे होता है कि they are not ready to accept कि बच्चों को होता है कैंसर. राइट. ये अवेयरनेस क्रिएट करना है या सोशल मीडिया में कुछ शेयर करना है, तो इसमें हमको बहुत वॉलंटियर्स की जरूरत रहती है. तो जैसे हमने कहा वो प्रोसीजर करके उनका अंडरस्टैंडिंग करके हम उनको इन्वॉल्व करते हैं. राइट. तो कविता व्हाट अबाउट योर एम्प्लॉइज, लाइक अभी जैसे कि वहाँ छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज है, दे आर एक्चुअली गेटिंग ट्रीटेड विद कैंसर, तो कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है, क्या आपके एम्प्लॉइज वहां पर 24/7 रहते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? सो वी हैव, तो हमने यही इमरजेंसी का जब हमको रियलाइज हुआ तो देखा कि एक सेंटर में एक अपना स्टाफ बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तब जाके हमने सोचा कि एक रेसिडेंट अगर हमको मिलता है तो रेसिडेंट एम्प्लॉयज हमने ढूंढे और उनको सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, जैसे वो हमारे एक्चुअली, बिकॉज हम नहीं, जैसे आपने कहा इमरजेंसी में हम नहीं पहुंच पाते लेकिन वो लोग वहां रहते, सो दे आर लाइक अवर आईज
यू नो इन द सेंटर, वी सी द सेंटर फ्रॉम देयर आईज, सो दे आर देयर, वो लोग वहाँ 24 आवर्स रहते हैं और पूरा फैमिलीज का उनके पास फर्स्ट अप्रोच रहता है ध्यान रखने के लिए. तो इवन इन द नाइट एंड सेम टाइम इमरजेंसी जब आता है वो अरेंज करना व्हीकल या कैसे हॉस्पिटल पहुंच पाए, क्योंकि हमको हॉस्पिटल से ही इंस्ट्रक्शन आया रहता है कि हम उनको लोकल डॉक्टर्स के पास नहीं ले जा सकते. तब ये सेंटर कोऑर्डिनेटर्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि वो मैनेज करे उनको पहुंचाना. तो हमारे जैसे व्हीकल्स है, ड्राइवर को कॉल लगाना, मैनेज करना, और जैसे ट्रीटमेंट फिनिश होता है वहां पे, जैसे डेली रूटीन रहता है, तब भी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स के पास ही कॉल आता है कि अब हमारा हो गया है, तो उनको सेंटर में पहुंचाना. यस ऑफ कोर्स उनका एक रोल वो भी होता है कि सारे फैमिलीज को मिलजुल के रखना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सब अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो वो एक एज अ ह्यूमन ये बहुत ज्यादा उनके लिए एक चैलेंज होता है कि सबको एक एक रूफ के अंदर हैप्पीली कैसे रखना है. तो ये उनका चैलेंज है. यस. सो कविता, अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे स्टेट से भी लोग आते हैं, सो विच ऑल स्टेट से वहां पर मुंबई में आते हैं फॉर ट्रीटमेंट? फ्रॉम बिहार, झारखंड, कैलकटा. अच्छा. We have n number of places. पंजाब, फिर यहाँ महाराष्ट्र के भी थोड़े आगे लातूर, इगतपुरी, अकोला, बहुत जगह से आते हैं. तो ये तो मतलब ऑल ओवर इंडिया का ही हो गया, लाइक ऑल ओवर वाराणसी, काफी काफी बहुत दूर दूर से. वेरी वेल प्लान्ड कविता. So, कविता, अभी जैसे कि अभी हमारा थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी विथ रिगार्ड्स टू दिस पेंडेमिक, जैसे कि अभी ये जो पेंडेमिक है ये वैसे ही लाइक इट्स लाइक वन ऑफ द टफेस्ट फेजेस ऑफ आवर लाइफ आई कुड से. तो अभी ऐसे इस पेंडेमिक की वजह से वॉज देयर एनी इंसिडेंट या ऐसा कुछ हुआ है जो आपके सेंटर के ऊपर इम्पैक्ट किया है, या आपकी फैसिलिटीज या आपके ऑपरेशन के ऊपर कहीं इम्पैक्ट हुआ है? आपके जो सेफ्टी मेजर्स हैं आप कैसे लेते हो, स्पेशली इन दिस कोरोना, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ठहरने वाला है नहीं. देन वॉट आर द सेफ्टी मेजर्स डेट यू डू टू एंश्योर कि मतलब अगर समझो किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं, क्या आप कोई टेस्ट करते हो या क्वारंटाइन कराते हो, हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज दैट? तो ये अगर आप जरा थोड़ा सा इलैबोरेट कर सके तो अच्छा रहेगा. यस श्योर. तो ये हमारा लास्ट अप्रैल का एक्सपीरियंस है, जब फर्स्ट सबके लिए वो नया ही था अप्रैल 2020 में, जब हमारे सेंटर में हमने तब तक जब न्यूज मिला था प्रिपरेशन तो स्टार्ट किया था, जैसे जो भी सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है, मास्क, ये तो स्टार्ट कर दिया था. पर जब पहला चाइल्ड हमारा, पहले बच्चा हमारा एक्सिस लाइफ का जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ, सो वो हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज था. वो दैट डे वाज अ लाइक यू नो अ वेरी ब्लैक डे वी कैन से, बट व्हेन वी गॉट द फर्स्ट न्यूज, जब हॉस्पिटल से कॉल आया अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को कि आपके सेंटर का ये बच्चा पॉजिटिव हुआ है. So, okay. That was the first child in Axis Life as well as for Tata also, because and the child was 5 years old. So, वहाँ हमारा first challenge start हुआ क्योंकि family had just gone to the hospital, normal fever temperature है करके गया. जब वहाँ test हुआ तो उनको पता चला कि COVID है. Okay. तो first was वापस आने दिया नहीं center में, और उनके पास कुछ था नहीं, तो वो भी कुछ लेके नहीं गए थे. तो वो तब हमने रियलाइज किया, और हमको पता था कि ऐसे सिचुएशन हो सकता है. सो हमने एक किट बना के रेडी रखा था हर सेंटर में, जिसमें 2 कपड़े, बेडशीट्स, अगेन जो प्लेट्स, ग्लास, स्पून, ये सारा चीज हमने रेडी रखा था, थोड़ा ड्राई स्नैक्स, ये सब रख के हम उनको हॉस्पिटल में हमने उनको पहुंचाया. यहाँ तक कि वो फैमिली के साथ ऐसा हुआ कि वो फादर मतलब हड़बड़ी में जैसे जाने में बोलते हैं ना कि हम वॉलेट भी भूल के गए थे, तो ही वाज इवन कैशलेस, वो सिचुएशन भी हुआ था उनके साथ. बट जब भी उन्होंने कॉल किया तो हमने वो भी मैनेज किया कि उनको उस टाइम के लिए जो पैसे लगे वहां पे ट्रांसफर करके उनका वो साइड से थोड़ा सपोर्ट किया. और फिर जब ये हुआ इंसिडेंट कि पूरा बच्चा, वो फैमिली तो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, लेकिन पूरा हमारा सेंटर भी क्वारंटाइन हो गया. राइट. तो बाकी के जो 13 फैमिलीज थे वो सारे अंदर क्वारंटाइन हो गए सेंटर में.
तो इसमें क्या हो गया कि बोला वो बच्चों को हॉस्पिटल नहीं आना है, तो उनका पूरा ट्रीटमेंट रुक गया तो जिसका भी चल रहा था. सो ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो टाइम पे. बट हमारे जैसे डॉक्टर्स थे वहां पे, काफी कुछ गाइडेंस मिला हमको, सपोर्ट मिला कि इसको अभी क्या करें. तो 14 डेज के लिए जब बच्चे का ट्रीटमेंट रुक गया और फैमिलीज बाहर नहीं जा सके, तो उस टाइम हमको उनका जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो ग्रोसरी है, ये सब हमने सेंटर तक पहुंचाने का हमारे लिए वो एक चैलेंज था. बट लकीली हमारा व्हीकल्स था जहाँ पे परमिशन है हमको, तो ये हमने सेंटर उनको बोला बाहर मत आओ, आप बाहर मत आओ, मार्केट में जाना है या दे वेर इनसाइड. सेम टाइम जब तब डॉक्टर्स को रियलाइज हुआ, जैसे आपने अभी कहा कि कैंसर तो रुकेगा नहीं, वो तो उसका ट्रीटमेंट तो करना जरूरी है. तो एज आई सेड फिर उन्होंने वापस एक जैसे 1-1.5 मंथ के बाद सारे बच्चों का ट्रीटमेंट वापस स्टार्ट किया. उसके बाद से लेकिन जब भी जो भी बच्चा पॉजिटिव होता था तो उनका ट्रीटमेंट नहीं रोकते थे, उनका अलग एक वार्ड करके वहां पे ट्रीटमेंट होता था. सेम टाइम हमको बाकी जो सेंटर में थे सबका कोविड टेस्ट करना पड़ा था. तो सबका कोविड टेस्ट किया, हमारे स्टाफ का, हमारे वहां के गार्ड जो थे आसपास, मींस वी डिडंट वांट कि वो बच्चे वजह से या ये रीजन से किसी को भी इफेक्ट हो, बिकॉज ये चीज था ऐसा कि हम समझ नहीं पाते थे है नहीं है, इसीलिए सबका टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट करवाया. करेक्ट. और बहुत बार ऐसे हुआ कि जब बच्चे और मदर वॉज अलाउड टू स्टे इन द हॉस्पिटल तो फादर्स कहाँ जाए. ओके. तो हाँ, तो उनको हम जब उनका टेस्ट भी हो जाता था नेगेटिव होता था, उनको हम सेंटर में अलाउ करते थे कि आप आ जाओ, बाहर मत जाओ. तो उस टाइम बहुत टाइम हमको ये भी पता चला कि काफी एनजीओज ने मतलब नहीं चैलेंज ये फेस नहीं कर पा रहे थे. बट हमने उनको पेरेंट्स में भी बहुत डर था कि आप हमको बोल दोगे क्या, मतलब आप जाओ वापस कोविड की वजह से, ये डर था पेरेंट्स में. बट हमने कभी वो सोचा ही नहीं, हमने यही सोचा कि वहां रह के उनको कैसे यू नो कंफर्टेबल बनाए. सो बार बार सैनिटाइजेशन करना और फिर उनको एटिक्वेट सिखाना कि कॉफ कैसे करना है, तो ये हमने अलग अलग वे से ट्राई किया. जैसे वर्चुअल वीडियो से हमारे काउंसलर्स ने अप्रोच किया और उनको सारा वो समझाया कि कैसे इसको हमको फेस करना है. और सेम टाइम एक वी हैड अ वेरी बिग चैलेंज इज जब हमारे डोनर्स और विजिटर्स आने बंद हो गए. okay. वो भी हमारे एज यू सेड ऑपरेशनल कॉस्ट है, चैलेंजेस है, ये मीट करना भी हमारे लिए चैलेंज हो गया था, अभी भी है, चल रहा है. सो दैट्स द रीजन हम लोग ने फिर ये वर्चुअल स्टार्ट किया कि हमारा कनेक्शन रहे, पीपल सी, पीपल अंडरस्टैंड द कॉज एंड एक्चुअली सी हु आर देयर इन द सेंटर, यू नो. okay. क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रस्ट बहुत होता है इन्वॉल्वमेंट. तो जब वो अपने आप आके देखते हैं वो एक अलग ट्रस्ट होता है, और किसी को बताना और कुछ पिक्चर दिखाना वो एक अलग टाइम का ट्रस्ट होता है. यस. सो कविता, एक्चुअली ये जो फेज है मतलब पैंडेमिक का, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना टफ रहा होगा, एंड टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस एंड द फैसिलिटीज वर्किंग, ये भी एक मतलब ऐसा चैलेंज है कि मतलब इसको वर्ड्स में भी नहीं बयान कर सकते. दिस इज लाइक really something, and hats off to you guys that you were still able to manage it even during the pandemic times. So I'm like I'm short of words ki main aur kya bol sakte, jike jitna hi main bolungi aapke efforts, aapne jo time itna jo dala hai wo shayad usko utna justify bhi nahi kar payega. And here I would really thank the center coordinators jo the wahan pe, as unko option bhi diya tha ki aap apne ghar ja sakte ho, jaise sab apne apne ghar laut gaye the. लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने वो फैमिली से ये फैमिलीज को चुना. नन ऑफ देम वेंट बैक. दे वेर एट द सेंटर, इसीलिए हम भी वर्क फ्रॉम होम मैनेज कर पाए, सेंटर्स को मैनेज कर पाए. एब्सोल्युटली. आवर ड्राइवर्स आल्सो, यू नो, दे ट्रांसपोर्ट टीम वाज रियली एक्सीलेंट. दे मैनेज्ड, यू नो, विजिट टू द सेंटर्स, एवरीथिंग. Keep putting their life. मतलब उनको कभी भी नहीं लगा कि हमारे लिए भी ये रिस्की होगा, ये थॉट right. कभी भी नहीं आया उनके. Yes. Right. So, team effort जिसमें, you know, we could face this period.
एक ड्रीम था जो आपने रियलिटी में कन्वर्ट किया है कविता. सो आई थिंक यू गाइज आर लाइक ब्रेव हार्ट्स. वैसे आप ब्रेव हार्ट्स किसे कहते हैं, लाइक आर द किड्स ब्रेव हार्ट और हु आर द ब्रेव हार्ट्स दैट यू आर रेफरिंग टू? Kids, we call them the brave hearts because they are so innocent, their smile is so innocent, they actually don't know what is happening. So when जैसे हमने कहा कि वो treatment से भी वापस आते हैं, हमको ये fear रहता है कि अरे इसने chemotherapy लेके आया है आज या radiation, but they are you know so smiling. और काफी बच्चे तो वहां रह के डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब आपका वो चेक करते हैं नर्व्स. ओके, प्रिटेंड ब्लड चल रहा है. यस, सो दैट्स द रीजन वी हैव गिवन देम द ब्रेव हार्ट्स एंड यू नो विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर जर्नी द फ्यूचर. इन दैट केस आई शुड कॉल यू एंजल्स, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. वी हैव बीन गिवन दैट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट, लाइक you are the example here, so we get this support, that's why we are able to do it. So it's the backbone of Access Life is our volunteers, our well-wishers, our supporters. Yes, और ये आपने बहुत करेक्टली कहा है कविता. आई मीन यही बात मैं अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को भी यही बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा मॉनिटरी नहीं हो सकता है. यू कैन इवन हेल्प बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यू कैन इवन बी अ वॉलंटियर. आप किसी ना किसी को किसी छोटी तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हो. सो व्यूअर्स एंड ऑडियंस हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, हु इज वॉचिंग कविता राइट नाउ, आई होप कि आप ये एक छोटा सा स्टेप लेंगे एंड यू विल कंटिन्यू स्प्रेडिंग द अवेयरनेस. द मोर द अवेयरनेस द मोर वी वर्क टुगेदर एंड अ बेटर लाइफ दैट वी कैन क्रिएट, जिसके लिए हम किसी की लाइफ में एटलीस्ट अगर एक इंसान की लाइफ में भी डिफरेंस क्रिएट कर पाए, इवन दैट इज यू नो दैट इज फेयर इनफ. आई मीन एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं कि किसी एक को तो हमने हेल्प किया. वेरी ट्रू, वेरी ट्रूली सेड. तो कविता ये थी हमारी सारी बातें अभी तक स्टोरीज के बारे में, एंड द स्टोरीज दैट यू हैव टोल्ड अस टुडे इज लाइक दे हाईली इंस्पायरिंग स्टोरीज. तो कविता जरा मूव ऑन करते हैं अब आपकी फैसिलिटीज के बारे में, बेसिकली एक्सेस लाइफ के बारे में इन एंटायरिटी होलिस्टिकली. अब जैसे एक्सेस लाइफ का अभी विजन है, उनके कुछ गोल्स है लाइक ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर, तो अभी से आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू अचीव देम? आप आपके सक्सेस या आपका जो ग्रोथ है उसे मेजर कैसे करते हो? सक्सेस एंड ग्रोथ इज सिंपल द नंबर्स, यू नो द नंबर्स ऑफ रिकव, द नंबर ऑफ किड्स हु हैव गॉन बैक, रिकवर्ड एंड गॉन बैक. सो दिस इज समथिंग वेरी बिग रोल व्हिच प्लेस, यू नो we see that number and get motivated. So that is one thing. And we just want that more and more families get this support, they don't abandon the treatment. So that was one thing where now, as you've seen, just this month, in the month of June, we have moved, hum log Mumbai se bahar gaye. So we came to Pune. Right. So when we came to Pune, we realized that there was no such facilities, you know, where at present they were getting free shelter for the kids battling cancer. So they were actually not aware ke aisa bhi ho sakta hai. So humko actually wo virtual tour karke batana pada ki nahi, Bombay mein aise ho raha hai, hum kar rahe hain. Aur fir wahan pe bhi humne, jaise hamara Pune mein Kalyani Nagar place hai, jab wahan pe hamara ye center khula hai, wahan pe 10 फैमिलीज का हमने किया है फैसिलिटी, शेल्टर का अकोमोडेशन किया है. सो लिटरली हम वहां पे भी फैमिलीज को समझाते हैं कि आप आओ, आप देखो, आपको एक्सपीरियंस, मतलब जैसे आपने कहा वो देखेंगे तो ही वो बिलीव करेंगे. बताने पे इतना इजीली नहीं वो अंडरस्टैंड हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कुछ होगा, कुछ तो होगा, बट जब वो आके रहते हैं देखते हैं, तभी वो बिलीव करते हैं. तो यही हमारा फ्यूचर ये है कि ऐसे ही हम ऐसे जगह पे जाए जहाँ सच में लोग फैमिलीज चैलेंज फेस करते हैं और ट्रीटमेंट अबैंडन करते हैं, ऐसे जगह पे जाए और उसको कम करे. कि हमारा ये है कि एवरी चाइल्ड शुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ट्रीटेड, गेट वेल एंड गो बैक एंड लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. हर बच्चा वो एंजॉय करे. Right. So, this, yes, yes. We
कि यार वी वांट टू गो टू मोर प्लेसेस एंड वी आर रियली लुकिंग. जैसे कहा देर आर चैलेंजेस ऑफ प्लेस टू गेट अ प्रॉपर प्लेस प्रॉपर सराउंडिंग बट वी रियली वांट टू मूव आउट एंड शेल्टर मोर फैमिलीज हेल्प देम इन दिस चैलेंज ऑफ देयर लाइफ. सो कविता आप जैसे कि मुंबई का तो लाइक आई नो कि मतलब मुंबई के फैसिलिटीज में तो आपका जो सेंटर्स है उसका तो आपने मुझे वर्चुअल टूर दे दिया था, पर क्या अब वर्चुअल टूर पुणे के लिए भी स्टार्ट हो चुका है? यस वेरी मच. ग्रेट वेरी मच. यस वेरी मच. और इंडिविजुअली भी हम प्लान करते हैं विजिट्स, मतलब टू व्हाइल मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस. हम पहले से प्रायर ये देखिए हम पर डे कितना है वो अरेंजमेंट भी हम कर रहे हैं. एज आई सेड वहां पे बिल्कुल नया है तो विजिट करना रहता है, सो दैट ऑल्सो वी कैन प्लान एंड दे कैन आके एक्चुअली देख सकते हैं. हम उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं कि आप एक्चुअली आके देखिए. तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहाँ वो हमको कॉल करके बता सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड टू कम एंड सी द सेंटर. तब वो फैसिलिटीज जो किचन फैसिलिटीज है जो वेरी प्राउडली वी शो यू नो द वॉशरूम्स, ये कुछ जगह. और कुछ और हमने पुणे में ऐड किया है जैसे थोड़ा गार्डनिंग ग्रीनरी जो हेल्प करता है हीलिंग में, उसको भी एक हीलिंग थेरेपी, तो ये हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है. सो इट इज सराउंडेड बाय वेजिटेबल गार्डन्स. ये वहां पे हमने नया कुछ इंट्रोड्यूस किया है पुणे में. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, या प्लीज कंटिन्यू. नो आई सेड वी हैव अ काउंसलिंग एजुकेशन सारा यहाँ पे भी सेम फैसिलिटी रहेगा. राइट. सो कविता अभी जैसे कि अगर किसी को इंटरेस्ट है या तो वर्चुअल टूर लेने में या तो एक्चुअली पुणे की जो फैसिलिटी है या इवन फॉर दैट सेक मुंबई की फैसिलिटी, अगर उन्हें वहां पर आकर भी लाइक पर्सनली देखना है तो व्हाट इज योर प्रोसीजर बेसिकली, वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? तो हम अपना नंबर शेयर करते हैं उनके साथ. ओके. हमारे वेबसाइट में वी हैव अ कांटेक्ट नंबर, वहाँ पे कॉल करके वो बात कर सकते हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है सेंटर मैनेजर्स हैं उनको कॉल बैक करके वो फिक्स करते हैं अकॉर्डिंगली. राइट. और हमारा ये जो वर्चुअल टूर होता है तो टाइम स्लॉट देखते हैं उनका कंफर्टेबल टाइम, हमारा फैमिलीज का कंफर्टेबल टाइम. फॉर अस इट इज फैमिलीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों का मेडिसिन टाइम है, प्लेइंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, वो अवॉइड करके हम फिर ये टूर फिक्स करते हैं. हम उनको ऑप्शंस देते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड बुक एंड स्लॉट एंड हैव अ वर्चुअल टूर, या फिजिकली भी आना है उनको दे कैन कॉन्टेक्ट अस. राइट. अभी तो अभी जैसे कि आपने बताया कि लाइक आपके वेबसाइट के ऊपर सारे डिटेल्स है कि हाउ टू टेक अ वर्चुअल टूर या आपको कॉन्टेक्ट कैसे करना है या खुद पर्सनली आकर जो सेंटर्स है फैसिलिटीज है उसे कैसे विजिट करना है, तो ऑन द सेम ग्राउंड्स अगर समझो किसी को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना है ऐसे कुछ, तो उसके लिए क्या है, डू दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, कैसे वो कैसे कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ है कि मिनिमम आपको इतना ही देना होगा, ऐसा कुछ रखा है आपने कोई क्राइटेरिया? सो बेसिकली हम जब डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते तो फर्स्ट इज टाइम. हम बोलते हैं टाइम कॉन्ट्रीब्यूट करो अपना, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डोनेशन व्हाट दे कैन डू. देन व्हेन इट कम्स टू अमाउंट, सो नथिंग इज स्मॉल, एज आई सेड नथिंग इज अ स्मॉल अमाउंट और समथिंग, बट बेसिकली अवर हमारे वहाँ जो स्टार्ट होता है वो 1000 rupees मील मेट से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम खाना प्रोवाइड करते हैं. सो वो एक हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. उसके लिए हमारे वेबसाइट में एक लिंक है जहाँ पे डायरेक्टली डोनर्स बुक कर सकते हैं. उनके पास चॉइस रहेगा वहाँ पे कि उनको ये डोनेशन में सिर्फ बच्चों को करना है या बच्चों के पेरेंट्स जो हमारे टू केयर गिवर्स आते हैं बच्चे के उनके साथ करना है. तो वो कैसे होता है, चाइल्ड मील और फैमिली मील ऐसे हो जाता है. और कौन से डेट को करना है, तो यूजुअली कैसे रहता है कि डोनर्स का कुछ स्पेशल डे रहता है, बर्थडे रहता है या वेडिंग एनिवर्सरी रहता है, तो वैसा उसमें वो डेट ऑप्शन भी हम देते हैं कि कब कर सकते हैं. जैसे वो मील होता है तो उनको कुछ नहीं करना रहता है, वो अमाउंट होता है जो ट्रांसफर होता है और पूरा जो प्रोविजन है ग्रोसरी है वो सारा हम जैसे प्रोवाइड करते हैं. और उसके बाद डोनर के साथ एक पिक्चर शेयर होता है विद अ मैसेज, सो डोनर ऑल्सो नोज कि ये बराबर यूज हुआ है हमारा.
एक वो रहता है, तो उसकी वजह से वो एक दिस इज वन काइंड ऑफ अ डोनेशन. देर आर डिफरेंट वेज. तो इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बैंक डिटेल्स है वो उसमें तो रहते ही है वेबसाइट, बट अगेन जो भी नंबर उनके पास है वो पर्सनली इंडिविजुअली कनेक्ट हो सकते हैं, मीट कर सकते हैं और डिटेल शेयर कर सकते हैं. फिर मोस्ट टाइम्स क्या होता है कि डोनर के अलग अलग थॉट रहते हैं जब व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूशन. कुछ लोग इन काइंड देना चाहते हैं, कुछ लोग कैश में देना चाहते हैं, कुछ लोग एक फैमिली को अडॉप्ट करना चाहते हैं. Okay. तो ये वेरियस है. जैसे वो भी हमारा एक कंप्लीट एक फैमिली जो रहता है, मैंने ऐसी फैमिली वो चाइल्ड और उसके दो पेरेंट्स, तो उनको जब वो अडॉप्ट करते हैं तो एक पूरे महीने के लिए अडॉप्ट होता है ये फैमिली, उनका सारा एक्सपेंस कवर हो जाता है. तो ये जैसे उनका कॉस्ट जाता है अराउंड 25,000 फॉर द एंटायर मंथ. तो दिस इज वन काइंड ऑफ, तो ये ऑप्शन हम देते हैं डोनर्स को एज पर देयर चॉइस, वो सिलेक्ट कर सकते हैं. अगेन व्हेन आई कम बैक, जब मैं बोल रही हूँ कुछ स्पेशल डे होता है, सो बहुत बार डोनर्स को ऐसा होता है कि हम कुछ अलग करें, स्पेशल करें इसी टाइम में, तो हम एक्सक्लूसिव लिंक बनाते हैं, उसको फंड रेजिंग लिंक बोलते हैं. तो वो डोनर का एक्सक्लूसिव लिंक बनता है जहाँ पे वो उसका शी कैन मेंशन या ही कैन मेंशन कि मेरा बर्थडे लिंक है, बर्थडे फंड रेजर है, या मेरे बच्चे का फिफ्थ बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे. ये लिंक वो अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करते हैं और वहां पे जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो पूरा डिटेल्स हम वो डोनर्स के साथ शेयर करते हैं. ओके. यस, कि आपके लिंक में इन इन लोगों ने इतना अमाउंट दिया है. हम ये टाइम टू टाइम ये डोनर के साथ शेयर करते हैं, इसमें कुछ भी आइडिया ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ओपन लिंक उनको हम क्रिएट करके देते हैं. ओके. तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है in especially in case of fundraising and all, ये काफी help होता है. Absolutely. So कविता भी ये जितने भी आपने मुझे details बताए like meal for a kid, meal for a family, adopt a family, क्या ये सारे के सारे आपके websites के ऊपर भी provide किए गए हैं? So that anyone can just go and check out over there, ऐसा? Yes, they can check out, but again we have a number there, our website number. They can always call us or write to us. Right. You know, even if you call on that number, we individually will get in touch with them. तो क्या होता है ना, वो एक पढ़ना और एक human उसमें information share करना, तो थोड़ा difference हो जाता है. तो उनके और भी थोड़े doubts होते होंगे, तो वो भी clear हो जाते हैं. Correct, correct. So कभी तो what about the tax benefits? आप उस पर और कुछ बता सकते हैं? उसपे वही मतलब हमारे जो it is एब्सोल्युटली, अगर वो लोग अपना डिटेल्स बताते हैं डोनर्स, बेसिक डिटेल होता है जैसे उनका एक पैन नंबर रहता है, ईमेल एड्रेस रहता है और मेलिंग एड्रेस, ये तीन चीज जब वो शेयर करते हैं उनको ATG रिसीप्ट मिल जाता है. ओके. तो उसमें बिल्कुल हम ये नहीं, वी आर रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8 कंपनी अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट, सो वी गेट अ टैक्स बेनिफिट, द डोनर गेट्स अ टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 8G, सो दे गेट द रिसीप्ट, the rebate at income tax and 50% rebate milta hai unko uska. They can claim that. So every donation is given this receipt. As I said, unko wo jo basic detail hai, apna PAN number, apna address aur email address, ye teen cheez share karte hain to milta hai. Okay. We give that. So ek curious question hai Kavita. कि अभी जैसे कि अभी आपके बारे में मुझे पता है, जैसे आपने मुझे पर्सनली वर्चुअल टूर दिया था, आपकी प्रॉपर वेबसाइट है, योर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एज वेल. तो बेसिकली आपका इस क्लियर कट केस दैट योर्स इज अ जेन्युइन एनजीओ. पर कई बार ऐसे भी एनजीओस होते हैं जो फेक होते हैं, तो आप उस पर कुछ ऐसे कैन यू थ्रो मोर लाइट ऑन इट कि हाउ टू रियली अंडरस्टैंड वेदर अ एनजीओ इज जेन्युइन और फेक. So the first thing is always try to go and visit. That is what I advise. आप जाओ वो जगह पे, कभी भी डिस्टेंस ये मत ये करो, आप पहले वहां पर्सनली जाके देखिए, राइट. उसके बाद एक और ऑप्शन है कि वो किससे कनेक्टेड है, उनको उनके सपोर्टर्स कौन है. अगर उनके पास CSR है फंडिंग, तो उनके CSR सपोर्टर्स कौन है, इससे भी हमको आइडिया आ जाता है. जैसे नेमिंग फ्यू इन, वी आर यू नो सपोर्टेड बाय CSR supporters are there. So
So we have Azim Premji with us, we have L&T, there are many who are connected with us. So that's when that trust is there. So hamesha wo dekhna bahut zyada zaruri hai. Right. Very nicely said, Kavita. Yes. So Kavita, now the last question of the day. Mere viewers and audience ke liye ki aapko ek special message dena chahenge from Access Life. Yes. So I will tell that Access Life as a team, we had seen a dream. You know, we had seen and we are seeing that dream that these families whose kids are suffering from cancer, battling cancer, don't abandon the treatment. तो हमारा एक ही है कि हर फैमिली ये चैलेंज फेस करें और अपना ट्रीटमेंट अबैंडन नहीं करें और कंप्लीट करके बच्चे को वो नया लाइफ दे. सो ये जर्नी में मैं एक ही बोलूंगी कि इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है. अ स्मॉल टीम, इट्स अ बिग फैमिली विच इज रिक्वायर्ड टू यू नो मेक अ कंट्री, आई कैन से मेक अ कंट्री चाइल्डहुड कैंसर फ्री. सो यही मेरा मैसेज है कि आप जैसे इतना टाइम दिया है आप लोग ने ये देखने के लिए, जैसे नमिता ने इतना एफर्ट्स किया है, सेम मैं सबको कहूंगी कि ये सपोर्टर्स है, वॉलेंटियर्स है, वेल विशर्स है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे. सो प्लीज डू कंटिन्यू एंड स्प्रेड दिस कॉज, स्प्रेड दिस अवेयरनेस. थैंक्स फॉर द ब्यूटिफुल मैसेज कविता. So on that note, thanks a lot for your willingness to share such inspiring and sweet stories with my world of audience on my podcast and my YouTube channel. आप सभी एक बहुत ही यूनिक और एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो, एंड जैसे कि मैंने बार बार कहा, इट्स लाइक अ हाईली कमेंडेबल जॉब. सो इट्स अ प्लेजर टू कनेक्ट विथ यू, इट्स अ प्लेजर टू नो यू कविता एंड एक्सेस लाइफ. आई रियली अप्रिशिएट कि आप कैसे किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में डिफरेंस बना रहे हो. इट इज लाइक यू नो हैट्स ऑफ टू यू गाइज. सो आई जस्ट यू नो गोइंग अहेड फ्रॉम हियर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल डू एज मच बेस्ट एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड टू स्प्रेड द अवेयरनेस. इतनी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ. सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम. जितना मुझसे बन पाएगा उतना मैं करूंगी, that's for sure. और मैं अपने viewers and audience को भी यही कहना चाहूंगी कि don't hesitate to at least spread the awareness. वो एक बहुत ही छोटी सी बात है, just at the click of the fingers you can spread awareness. So do not hesitate to do that. आप एक noble cause है, उसमें भी आप एक you know वो जो कहता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, just remember that even a small contribution can have a big impact in a very positive way. So that way, Kavita, thanks a lot. You know, I also thanks Access Life to provide such high quality, holistic healthcare and support to a family. Na ki just like bachcha, matlab it's an entire family that you're actually taking care of. So ye bahut hi achhi cheez hai. And I wish you all the very best. Personally, ho saka to let's see. Jab kabhi chance mujhe mil paye, to main aapki Pune ki facility definitely reach out karungi. And we can, you know, just personally meet sometime. Exactly. We look forward because really you make a difference in the society. I'm really thankful on behalf of all our team, Access Life, for giving your time and making this happen, actually, making this work out. Thank you. Thank you all. Pleasure's the viewers all mine. Also. Pleasure's all mine, Kavita. So take care, Kavita. Stay blessed. Okay, especially ये जो tough times है pandemic का, this is just a tough time, एक tough phase है, कभी ना कभी तो चला ही जाएगा. You guys are already working very hard in taking all the efforts. Do continue to do that and life will be a better place soon. Thank you. Take care. Yeah, speak to you soon. क्या बनना है आपको बाबू बड़ा होके? कैच केला पप्पा ने.
देखिए हम तो कैंसर है।